नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम मौजूद हैं इटावा क्षेत्र में। इटावा क्षेत्र में जहां पर जो ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया था और उसको संबोधित करने मुख्य अतिथि के रूप में आए थे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, और वो संबोधित करके ब्राह्मण सम्मेलन यानी प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी को चले चुके हैं, जा चुके हैं, और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे बात करेंगे कैसा माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में, कैसा कैसे बीएसपी आने वाली है। जी, क्या नाम है? वीरेंद्र यादव। कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। कैसे आएगी बीएसपी? बीएसपी कैसे आएगी? बहन जी के कार्य, जो बहन जी ने कार्य किए हैं 2007 से 12 तक हैं, उनको देख करके अपने आप आएगी बीजेपी। बीएसपी वैसे ही आएगी, वो तो जनता देख रही है, सब देख रही है, सपा को भी देख चुकी है, भाजपा को भी देख चुकी है। जनता इस बार किससे आस लगाए बैठी है? कौन सी सरकार? बीएसपी की सरकार बनने जा रही है, बीएसपी की सरकार पर आस लगाए बैठी हुई है, बीएसपी को ही देखना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है ब्राह्मण समाज इस बार साथ देगा 2022 में? ब्राह्मण समाज पूरा साथ देगा, जो 16% है 16% पूरा साथ देगा बीएसपी का। कैसा क्या लगता है तो आपने बोल दिया जी, क्या कैसा माहौल लग रहा है इस बार? इस बार माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, गांव-गांव जाके कैंपेनिंग वगैरह चल रही है, उससे ऐसा फील हो रहा है जैसे बीएसपी गवर्नमेंट इस बार आने वाली है। और फिर जो नवयुवक है, नवयुवक डिपेंड करता है रोज़गार पे। रोज़गार अगर बीएसपी गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट थी तो रोज़गार का बैकलॉग भर्तियाँ काफ़ी की, और साथ में और इस बार नवयुवक सोच रहा है स्वास्थ्य विभाग में। कोरोना काल चलते समय स्वास्थ्य विभाग में किसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी वगैरह नहीं निकाली है, तो इस बार सोच रहे हैं फार्मासिस्ट के लगभग में 1,00,000 स्टूडेंट्स बेरोज़गार पड़े हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि बीएसपी बहन जी को लाया जाए और साथ में वैकेंसियाँ वगैरह जो सारी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ हैं उनको दोबारा से रिकवर किया फिलअप किया जाए। ऐसा आपको क्या लगता है? मुझे तो इतना लग रहा है कि हमारे जो क्षेत्र में ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज और भी लोग जो तंग हो चुके हैं, वो सभी ये बसपा से जुड़ना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि इस सरकार से भी बहुत परेशान हो गए, इससे पहले जो सपा की सरकार थी उससे भी तंग थे लोग, और उससे ज़्यादा अब इसमें तंग हो गए। इसलिए जो बहन जी की सरकार चल चुकी है उसमें हम लोग बहुत बहुत सुखी थे। क्या अच्छा लगा तो उसमें? सब कुछ अच्छा लगा, मतलब जो उन्होंने कार्य किया है, ना कोई गुंडागर्दी थी, ना कोई कुछ वैसा था, जो भी महिलाएँ रात में दिन में किसी भी समय निकल सकती थी, लेकिन अब नहीं निकल सकती हैं। और इतना अच्छा माहौल था कि कभी भी हम लोग परेशान नहीं रहे, इतना कार्य किया उन्होंने कि बहुत ही अच्छा कार्य किया। यानी इन्होंने अपनी बात रखी, इनकी बातों पर आप अपनी कमेंट में राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी चैनल को। अगर आप चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल कुमार, फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ।